वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी आती है हमारे अगले चर्चा की ओर। हम बढ़ते हैं जहां पर हम आपको क्वांट स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाले हैं, कैसे यहां पर टेक्निकली तमाम चीज़ों को कंसिडर करके, एल्गोरिथम्स को कंसिडर करके एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की जाती है और निवेशकों को क्या बातों का ध्यान में रखकर, किन किन बातों को यहाँ पर फैक्टर इन करके इस तरह के फंड्स में पैसे लगाने चाहिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ उज्ज्वल पावा इन्फ्लुएंसर जुड़ गए हैं। उज्ज्वल, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और काफ़ी ट्रेंडी होती जा रही है अगर हम क्वांट स्ट्रैटेजीज़ की बात करें और लोगों में इसको लेकर जागरूकता भले ही कम हो लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट जोखिम के साथ भी आता है, रिस्क के साथ भी आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हो उसमें कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। ऑब्वियसली रिटर्न तो आप कंसिडर करते ही हैं लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उससे पहले क्वांट स्ट्रैटेजी किस तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, इसके तहत क्या क्या टेक्निकल चीज़ों को कंसिडर किया जाता है एक स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, हमें ये बताइए आप आसान भाषा में। जी, तो क्वांट स्ट्रैटेजी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें ह्यूमन जजमेंट और इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होता। तो मशीन पूरे डिसीजंस लेती है कि स्टॉक को बाय करना चाहिए कि नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन कर दूं तो क्या होता है कि सबसे पहले एक मशीन को डेटा फीड किया जाता है, उसे उन्हें मतलब मशीन को हिस्टोरिकल डेटा अबाउट कंपनीज अर्निंग्स हो गया, स्टॉक प्राइसेस हो गया, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हो गया, ये फीड किया जाता है। वहां से एक मैथमेटिकल मॉडल निकलता है, उस मैथमेटिकल मॉडल को टेस्ट किया जाता है, पैटर्न्स डिफाइन किए जाते हैं कि आगे का फ्यूचर ट्रेंड क्या रहेगा, इसकी टेस्टिंग होती है और फिर इसे एक्सिक्यूट किया जाता है समझने के लिए कि क्या स्टॉक, कब स्टॉक को बाय करना चाहिए और कब स्टॉक को सेल करना चाहिए। तो बेसिकली हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है और क्योंकि इसमें ह्यूमन जजमेंट नहीं होता तो एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और क्योंकि ह्यूमन के एरर्स के चांसेस कम होते हैं तो ये हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जो शायद ट्रेडिशनल मेथड से मिस हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर आपने काफ़ी तरीके से समझाया अच्छे से कि ये किस तरह से स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मुझे ये बताइए जो मौजूदा फंड है वो किस तरह का डेटा खंगालते हैं, किस तरह से कंपनियों का चुनाव करते हैं, जो एल्गोरिथम्स भी आपने समझाए हैं कि होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं, डेटा के लिहाज से किन किन पैरामीटर्स पर उन्हें जज किया जाता है, कितने साल का रिटर्न जो है वो देखा जाता है, इसका एक पैमाना क्या होगा? ये हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आज मार्केट में बहुत सारे क्वांट फंड, जैसे एक निपॉन इंडिया क्वांट फंड है, डीएसपी क्वांट फंड है, टाटा क्वांट फंड है, आदित्य बिरला का क्वांट फंड है, तो सब लोग अपनी स्ट्रैटेजीज अलग अलग यूज करते हैं, फीड करते हैं मशीन को डेटा समझने के लिए कि क्या डिसीजन आगे जाके हो सकता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो कॉमन पैरामीटर्स है वो होते हैं ग्रोथ, वैल्यू एंड क्वांटिटी। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्या होता है कि जो कंपनी जिसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि क्वांट स्ट्रैटेजी कैसी स्ट्रैटेजी, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसे क्वालिटेटिव डेटा फीड नहीं किया जाता। तो अच्छी कंपनी जिनका मैनेजमेंट भी अच्छा हो उनको पिक किया जाता है, उनके फिर फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं जो बेटर हैं उन्हें पिक करते हैं, जो ग्रोथ एंड वैल्यू कंपनीज हैं उनको लिया जाता है इसमें। ऑलराइट, जो फिलहाल स्ट्रैटेजीज चल रही हैं क्वांट स्ट्रैटेजी के तहत वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाजार में एक फेज होता है जहां पर एक टिपिकल तरह की स्ट्रैटेजी चल रही होती है। अगर मैं क्वांट स्ट्रैटेजी फिलहाल समझना चाहूं तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो बेहतर रिटर्न आपको दिला रही है? जी, तो म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स वही होते हैं जो ग्रोथ पैरामीटर्स को देखते हैं, वो है जैसे स्मॉल कैप फंड्स। तो क्वांट में एक स्ट्रैटेजी ये डिफाइन की जाती है कि जिन कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है उनको पैरामीटर्स में रख के म्यूचुअल फंड्स क्रिएट किए जाते हैं। ओके, जैसे कि हम एक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखते हैं बाकी तमाम फंड्स में जो कि क्वांट स्ट्रैटेजी जुड़े हुए नहीं होते, यहाँ पर क्या सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी ली जाती है, उस सेक्टर्स में तमाम पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है, अगर आप उदाहरण के तौर पर समझाएं? बिल्कुल, अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं तो हो सकता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो ज्यादा आउट परफॉर्म करें। क्योंकि क्या होता है कि जो एक इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग होती है वो ये होती है कि अगर जो गवर्नमेंट पहले से ही अगर वो कंटिन्यू करेगी
तो जो रिफॉर्म्स उसमें चेंज नहीं आएगा, पॉलिसीज में चेंज नहीं आएगा और इकोनॉमी स्मूथली फंक्शन करेगी। तो वहां पे ये फीड डेटा फीड करके स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि अगर रिजल्ट्स आते हैं जो इलेक्शंस के, उसके बेसिस पे आपका स्टॉक मार्केट बुल रन पे होगा, तो उस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए क्वांट की स्ट्रैटेजीज बना के आप मतलब उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो फंड होते हैं ये किस तरह के नेचर के होते हैं? ये फ्लेक्सी कैप होते हैं, मल्टी कैप होते हैं, किस तरह की कैटेगरी में आ जाएंगे फिर? जी, तो सब टाइप की कैटेगरीज में आते हैं ये फंड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर स्टॉक के टाइप को ही ये नोटिस करते हैं। तो जितने टाइप्स के स्टॉक्स मार्केट में आज हैं, उन सबको ही क्वांट स्ट्रेटजी में आप इन्वॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि इनको अगर आपने कोई भी डेटा फीड कर दिया, ये वहां से मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल टूल्स को डिफाइन करके बता सकते हैं कि प्राइस की मूवमेंट क्या होगी। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा पीछे तो जा नहीं पाते होंगे ना कि आपके पास उतना डेटा होगा कि आप उतना पूरा डेटा कंसिडर करेंगे स्ट्रैटेजी बनाते वक्त? जी देखो, मार्केट और इकोनॉमी एवर चेंजिंग है। तो जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की, तो आप कितने भी स्टॉक प्राइस शुरू से, जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से उसको कंपनी मशीन को डेटा फीड कर सकते हैं। तो इसमें कोई एक लिमिटेशन नहीं है कि हमको सिर्फ 1 साल का डेटा फीड करना है, 2 साल का डेटा फीड करना है। बट हाँ, इसमें मेहनत ज्यादा बढ़ जाती है मैनेजमेंट की, और फिर दैट रिजल्ट्स इन हाई हाई मैनेजमेंट फीस, एक्सपेंस रेशियो फंड का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितना कॉम्प्लेक्स हमारा फंड होगा, जितना कॉम्प्लेक्स हमारे डेटा होगा, उतना ज्यादा फंड का कॉस्ट भी होगा। वैल्यू, मोमेंटम, साइज, क्वालिटी और वॉलिटिलिटी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं। जी ये जी तमाम फैक्टर्स जो ज़रा आप उदाहरण देकर समझाइएगा कि कैसे फैक्टर इन किया जाता है। लगभग 5 फैक्टर्स जो काउंट इन किए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि जो अभी अंडरवैल्यूड हैं, जिनका पोटेंशियल है कि वो अभी अपने स्तर पर नहीं है, तो अगर हम उनको स्टडी कर सकें तो आगे जब हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे जब वो एट पार आएंगे तो वहां पे वो कस्टमर को रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। वोलाटिलिटी की बात करें तो हम बेटा को देखते हैं, जहाँ पे ये समझते हैं हम लोग कि जो स्टॉक मार्केट का मूवमेंट है, वहां से स्टॉक कितना मूव होगा। तो ये डेटा भी फीड किया जाता है इन फंड्स को, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि अगर स्टॉक मार्केट फॉर एग्जाम्पल 2% से भरा, तो इस स्टॉक में कितना परसेंटेज मूवमेंट आना चाहिए। किस तरह की रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए इसमें निवेश करने के लिए? तो अगर हम रिस्क एपेटाइट की बात करें, तो जो बिगनर इन्वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल भी ये फंड्स को चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन फंड्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। यूजुअली जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो जो क्या एल्गोरिथम्स लगा रहे हैं वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम आ सकती है बिगनर इन्वेस्टर्स के साथ कि उनके जो गोल्स हैं, उनके जो रिस्क है, वो इन फंड्स के साथ अलाइन ना हो। तो बिगनर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। दूसरा, मैंने बात करा कि जो हाई मैनेजमेंट कॉस्ट रहती है, जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा रहता है, जो एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है एनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। थर्ड, सिर्फ हम बात कर रहे हैं क्वांट की, क्वांट मतलब क्वांटिटी, हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई कंपनी है जिसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हों, लेकिन मैनेजमेंट में थोड़ा भिड़ाव चल रहा हो, तो ये जो भिड़ाव चल रहा है वो हम डेटा फीड नहीं कर सकते हमारी मशीन को। तो वहां पे एक नेगेटिव फैक्टर इसमें आ जाता है। तो ये कुछ एक 3 डिसएडवांटेजेस हैं जो क्वांट फंड्स में आते हैं। उज्ज्वल, धन्यवाद, समय निकाला आपने और क्वांट स्ट्रैटेजीज के बारे में विस्तार से बातचीत की हमारे दर्शकों के साथ। तो फिलहाल अगर थैंक आप यू, भी इस तरह थैंक की यू सो कुछ मच। इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज अपने पोर्टफोलियो में ढूंढ रहे हैं तो सोच समझकर आपको इनमें निवेश करना चाहिए, और अगर पहले बाहर निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो क्वांट स्ट्रैटेजी से थोड़ा सा दूर हटकर आप एक इंडेक्स फंड या किसी भी तरह का एक लार्ज कैप फंड से शुरुआत करें, ताकि आप बाज़ार को समझें और उसके बाद थोड़ा सा और एडवेंचरस हों अपने निवेश में, जब आप पूरी तरह से समझ जाएं कि कैसे पोर्टफोलियो बेसिक बनाना होता है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारी खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम देंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवालों के जवाब।